हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्यपत्रक 44। कार्यपत्रक 44 जो है वह हिंदी का कार्यपत्रक है और आज हम पढ़ेंगे बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का भाग दो। और यह कार्यपत्रक कक्षा 9 के लिए है। सबसे पहले विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखें और यहाँ आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। कार्यपत्रक है 14 अक्टूबर 2020 का। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह कविता लिखी गई है राजेश जोशी जी के द्वारा। पिछले कार्यपत्रक संख्या 41 में हमने जाना कि कवि राजेश जोशी जी बाल मजदूरों को सुबह भीषण ठंड एवं कोहरे के बीच अपने अपने काम पर जाते देखते हैं। देखा था बच्चों, हम लोगों ने कविता में यह पढ़ा था कि कैसे बच्चे कोहरे में भीषण ठंड में अपने काम पर जा रहे थे, जिससे उनके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। उनको यह समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ये बच्चे अपना मन मारकर इतनी सुबह सुबह ठंड में काम पर जाने के लिए विवश हैं। और आगे उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। वह कहते हैं कि हमें इसे कविता की तरह नहीं बल्कि एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। चलिए आज हम इसके आगे का भाग पढ़ते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदे? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगे किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? अब देखिए बच्चों, कभी यहाँ कहते हैं कि बच्चों को क्यों जाना पड़ रहा है काम पर? क्या उनके द्वारा खेले जाने वाली जो गेंद है वह अंतरिक्ष में गिर गई है? क्या वो वहां से लाई नहीं जा सकती? या जो उम्र पढ़ने लिखने की है उन किताबों को दीमक खा गया है जो वो पढ़ लिख नहीं पा रहे? और आगे कहते हैं, क्या उनके सारे खिलौने एक काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं जिससे वह खेल नहीं सकते? या भूकंप में सारी स्कूलें जो हैं, मदरसा कहने का अर्थ है बच्चों स्कूल, मदरसा क्या होता है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो इसे हम स्कूल भी कहते हैं। और यहाँ राजेश जोशी यही कह रहे हैं, क्या भूकंप में सारी स्कूलें, सारे मदरसों की इमारतें जो हैं वह ढह गई हैं, गिर गई है, इसीलिए बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे? क्या खेलने के सारे मैदान, बगीचे, घरों के आंगन जो हैं वह सभी खत्म हो गए हैं? क्या यही वजह है बच्चों के काम पर जाने का? कई सारे प्रश्न हमारे कवि के मन में उभर रहे हैं कि बच्चे इसीलिए काम पर जा रहे हैं क्योंकि उनके खेलने की गेंदें जो हैं वह अंतरिक्ष में चली गई, उनके पढ़ने की जो किताबें थीं वह दीमक खा गया, उनके खेलने के सारे खिलौने काले पहाड़ के नीचे दब गया, उनके पढ़ने के लिए जो स्कूल बनाए गए थे वह सारे भूकंप में ढह गए। तो देखिए कितना आक्रोश और कितना दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जिन नन्हे बच्चों को खेलने के लिए गेंद देने चाहिए उनके हाथों में हम काम की जिम्मेदारी थमा देते हैं, जिन बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें मिलनी चाहिए उन्हें हम झोला पकड़ा देते हैं और स्कूलों के बजाय फैक्ट्रियों में भेज देते हैं। तो यह बहुत ही बड़ी दुखद घटना है। हमें नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उन्हें उस बचपन को जीने का पूरा अधिकार है, उनसे हमें उनका अधिकार नहीं छीनना चाहिए। चलिए अब व्याख्या देखते हैं। व्याख्या हमारा है, कवि सोचता है कि क्या खेलने के सारी गेंदें खत्म हो चुकी हैं या आकाश में चली गई हैं? क्या बच्चों के पढ़ने के लिए एक भी किताब नहीं बची है? क्या सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया है
दीमक एक कीड़ा होता है बच्चों, जो मिट्टियों में पाया जाता है। वह लकड़ियों को खा जाता है और अंदर से खोखला कर देता है। क्या सभी खिलौने कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, जो अब इन बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा? क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे एवं विद्यालय, मदरसे को स्कूल कहा जाता है बच्चों, मदरसे एवं विद्यालय भूकंप में टूट चुके हैं, जो ये बच्चे पढ़ाई एवं खेल कूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं? यहाँ कभी अपने मन में उठ रहे सवालों को बयां करते हुए कहते हैं कि क्या बच्चों के खेलने की सारी जगह खत्म हो चुकी है? क्या सारे मैदान जहाँ बच्चे खेलते थे, सारे बगीचे जहाँ बच्चे टहला करते थे एवं सारे घरों के आंगन समाप्त हो चुके हैं, जो इन बच्चों के पास अब कुछ नहीं बचा, इसीलिए ये सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं? अब देखिए, कवि के मन में बहुत सारी बातें हैं जो वह समाज से पूछ रहे हैं कि क्या अब बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बचा? उनके पढ़ने के लिए किताबें नहीं बची, खेलने के लिए गेंदे नहीं बचे और इमारतें नहीं बची जहां वह पढ़ने जाया करते थे। वह आंगन, वह बगीचा, वह मैदान कहां खो गया जहां ये नन्हे नन्हे बच्चे मौज मस्तियां किया करते थे? और लास्ट में यही कहते हैं कि शायद इन सारी चीज़ों के खो जाने से ही आज इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को सुबह सुबह इस करकती ठंड में भी काम पर जाना पड़ रहा है। चलिए बच्चों, अब हम दिए गए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, कविता की पंक्तियों में बच्चों के लिए क्या क्या समाप्त हो गया है? तो बच्चों यहाँ देखिए, बच्चों के लिए क्या क्या समाप्त हो गया है? बच्चों के लिए गेंद समाप्त हो गए हैं, ये अंतरिक्ष में चले गए। किताबें समाप्त हो गई, इसे दीमक ने खा लिया। खिलौने समाप्त हो गए, यह काले पहाड़ के नीचे दब गई। मदरसा समाप्त हो गया, यह भूकंप में ढह गया। मैदान, आंगन और बगीचा, यह सभी समाप्त हो गया। आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए इसे, कविता की पंक्तियों में बच्चों के लिए गेंद, पढ़ने के लिए किताबें और खेलने के लिए खिलौने, ये सभी वस्तुएं समाप्त हो गई हैं। इसमें बच्चों आप जोड़ सकते हैं मदरसा, बाग, बगीचा, यह सभी समाप्त हो गया है। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, आपके विचार से क्या सभी बच्चों को खेलकूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हैं, कैसे? लिखिए। तो हाँ, सभी बच्चों को खेलकूद और शिक्षा का समान अवसर प्राप्त है, लेकिन कुछ बच्चे इसका लाभ नहीं उठा पाते। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हो जाएगा बच्चों, हाँ, हमारे विचार से सभी बच्चों को खेलकूद और शिक्षा का समान अवसर प्राप्त है, लेकिन इसका लाभ वही बच्चे उठा पाते हैं जो संपन्न परिवार से हैं। गरीबों के बच्चे इन सब का लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण वो बचपन में ही घर की जिम्मेदारियों को उठाने लगते हैं और नन्ही सी उम्र में ही काम पर जाने लगते हैं। यह एक मुख्य वजह है बच्चों, जिस वजह से वह उन अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते जिनका लाभ हम सब उठा पाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल मजदूरी पर रोक लगाई गई, अपने मित्रों या अध्यापकों या अध्यापिका से बातचीत करके लिखिए कि यह कानून क्या कहलाता है? तो बच्चों, यह कानून कहलाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए इसका उत्तर भी देख लें। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो जाएगा बच्चों, यह कानून शोषण के विरुद्ध अधिकार कहलाता है। चौथा प्रश्न हमारा है, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। बच्चों, आप सभी इसका उत्तर हमें कमेंट में बताएं। आप उन नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों के जगह पर आकर के देखें जो ये अपने काम पर जाते हैं। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। यहाँ देखिए बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा, काम पर जाते बच्चे के स्थान पर, अगर मुझे काम पर जाना पड़ता तो मुझे बहुत बुरा लगता, क्योंकि ये उम्र तो पढ़ने, खेलने और खाने के हैं,
इसमें जिम्मेदारियों का बोझ समय से पहले ही हमें व्यस्क बना देता है। जो उम्र निश्चिंत होकर जीवन व्यतीत करने की होती है, उस उम्र में जिम्मेदारियां बूढ़ा बना देती है। तो बच्चों, आप भी इसका उत्तर हमें कमेंट में बताएं कि अगर आपको पढ़ने ना दिया जाता और आपको काम पर भेज दिया जाता तो आपको कैसा लगता, आप क्या महसूस करते। बच्चों, कोविड के सिचुएशन में मैं कामना करती हूँ कि आप लोग घर में स्वस्थ होंगे। आप घर से बाहर जब भी निकलें, मास्क का प्रयोग करें, अपने हाथों को हमेशा साफ रखें, सैनिटाइज करते रहें, और जब भी आप घर से बाहर रहें, अपना मुंह, नाक और आंख बिल्कुल ना छुएं। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वॉकशीट में। वॉकशीट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वॉकशीट में। आप सबका धन्यवाद।